ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम अक्सर सोचते रहते हो वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना रहता है, भले ही वो सच्चा प्यार हो या क्रोध। इसलिए उचित सोचो, उन्हीं भावनाओं को ही बढ़ने का मौका दो जो उचित हो। उन विचारों से दूर रहो जो तुम्हारी शक्ति को कम करते हो, तुम्हारी आत्मा और शरीर को कमजोर करते हो। हर किसी का किया उनके ही खाते में जाएगा, जो करता है वही भोगता है। अपने क्रोध को समझो, खुश रहो। खुशी उसी को मिलती है जो मन से आजाद रहता है। खुद से यूं नाराज ना हो किसी पे भरोसा करने के लिए। अब जाने दो, छोड़ दो, भुला दो। दिल की तो आदत होती है कभी किसी गुस्से, निराशा, चिंता या भय को पकड़े रहना। इस आदत को पहचानो और बदल दो। वहां अपने परमात्मा की मूरत बैठा दो, परमात्मा का नाम लेते रहो। सब कर्मा पर छोड़ दो, खुद के प्रति सहानुभूति रखो। समय वो ठीक करेगा जो टूटा है। तुम्हारे साईं तुम्हारी तकलीफ जानते हैं। किसी तरह के अहंकार को आने मत देना, विनम्र रहो। जब तुम चुनौतियों के बीच भी सबके लिए भला सोचते हो, करते हो, उस काम को महानता का दर्जा दिया जाता है। मैं उदाहरण हूं उसका। मेरे बच्चे, मेरा मार्गदर्शन समझो, खुश रहो। मैं तुम्हारा साई हूं। अपना भरोसा मुझ पर बनाए रखना। अपने साई के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो। तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहद पसंद है। जय साई राम।